नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए 2019 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स पे। देखिए, ये सीरीज का पार्ट 6 है। इसके पहले 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और इन पांचों के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा और क्लिक करके इन सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बताए थे। और देखिए, इस वीडियो में टोटल हम जो है 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये 300 के 300 प्रश्न जो है आपकी आगामी परीक्षा के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान देखते रहिए। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अभी तुरंत लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि और भी छात्र इस वीडियो को देख के इससे लाभ ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। तो देखिए, इनका नाम है नजमा अख्तर। नजमा अख्तर को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली की जो है पहली महिला कुलपति के रूप में अपॉइंट किया गया था। देखिए, फर्स्ट इवेंट फर्स्ट अपॉइंटमेंट, मतलब कहीं भी किसी भी संस्थान में किसी की पहली नियुक्ति होती है वो एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए, दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत की पैरा एथलीट दीपा मलिक को किस देश की सरकार के द्वारा दी जाने वाली सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप के लिए चुना गया। तो देखिए, जो आपकी दीपा मलिक हैं, इनको न्यूजीलैंड सरकार के द्वारा दी जाने वाली सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप के लिए जो है चुना गया था। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर विश्व के सबसे बड़े विमान का सफल परीक्षण किया गया। तो देखिए, ये प्लेस आपका है कैलिफोर्निया, ठीक है। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो है विश्व के सबसे बड़े विमान का सफलतापूर्वक परीक्षण अभियान में किया गया था और इस विमान का नाम था स्ट्रेटो लॉन्च, ठीक है। और देखिए, जो आपका ये स्ट्रेटो लॉन्च है, इसका परीक्षण जो है कैलिफोर्निया के मोजावे रेगिस्तान के ऊपर जो है किया गया था। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस फार्मूला वन रेसर ने रिकॉर्ड 6ठी बार चाइनीज ग्रैंड प्री का खिताब जीता। तो देखिए, ये फार्मूला वन रेसर है लुईस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं, ठीक है। तो मर्सिडीज़ के ड्राइवर लुईस हैमिल्टन ने रिकॉर्ड 6ठी बार जो है चाइनीज ग्रैंड प्री 2019 का खिताब जीता। और ये पांचवा प्रश्न है कि वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड 2019 किसने जीता। तो देखिए, ये प्रश्न अब तक कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, अगर आपने कोई एग्जाम दिया होगा आपको पता भी होगा। इसी देखिए, आपको बता दूं कि जो आपका वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड 2019 है, इसको जीता जान मूर ने। और किस पिक्चर के लिए, देखिए ये फोटो आपके सामने दिख रही है, ठीक है। इसी फोटो के लिए जो है जान मूर को वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड 2019 प्रदान किया गया था। और छठा प्रश्न है कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो देखिए, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल 13 पदक जीते थे। और सबसे खास बात है कि इन 13 पदकों में जो है 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 7 कांस्य पदक शामिल थे, ठीक है। तो 2 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य पदक, भारत ने कुल 13 पदक जीते थे। और इससे भी खास बात है कि जो देखिए, जो आपका ये एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, इसका आयोजन जो है इस साल 2019 में बैंकॉक में किया गया था। और देखिए, कुछ विनर्स के नाम बता देता हूँ आपको। देखिए, भारतीय मुक्केबाज पूजा रानी और अमित पंघाल ने जो है भारत के लिए जो है इस प्रतियोगिता में ये जो आपके 2 स्वर्ण या दिख रहे, ठीक है, तो इन दोनों स्वर्ण पदकों को जीता था। और देखिए, कभी कभी कंपेरेटिव चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि इन 13 पदकों में कितने पदक पुरुषों ने जीते और कितने जो है महिलाओं ने जीते, तो इसको भी हम जान लेते हैं। देखिए, पुरुषों ने 1 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीते थे इस एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। और जो महिलाएं थी, इन्होंने जो है 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीते थे। तो ये पूरी की पूरी डिटेल आप जो है नोट कर लीजिए, इसका भी स्क्रीन शॉट लीजिए, एक पेज पर आपको सारे डिटेल मिल गए, ठीक है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के। और देखिए, सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने एशियाई स्नूकर टूर खिताब जीता। तो देखिए, जो आपका 2019 का एशियाई स्नूकर टूर खिताब है, इसको जीता है पंकज आडवाणी ने, ठीक है। तो पंकज आडवाणी ने 2019 का एशियाई स्नूकर टूर खिताब जीता था। और आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पुरुष वनडे इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बन गई हैं। देखिए, अगर आपने कोई एग्जाम दिया होगा अब तक, आपको पता भी होगा कि ये प्रश्न जो है बार बार पूछा जा रहा है। तो देखिए, आपको बता दूं कि जो आपकी क्लेयर पोलोसेक हैं, तो क्लेयर पोलोसेक जो है ये पुरुष वनडे इंटरनेशनल मैचों में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बन गई हैं। और देखिए, नवा प्रश्न बताने से पहले मैं आपको बता दूंगी, देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो पिछले जितने भी पार्ट हैं इस वीडियो के, ठीक है, उन सबकी पीडीएफ मैंने जो है उस टेलीग्राम चैनल में शेयर की है। तो उसकी पीडीएफ जो है वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उससे पहले आपको जो है क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत सारे पीडीएफ आपको जो है वहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए, नवा प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किस व्यक्ति ने जीता। तो देखिए, 2019 का जो आपका रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार है, ये जीता राणा दास गुप्ता ने।
और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए आपको बता दूं इनका नाम है योहेई सासाकावा। देखिए जो आपके योहेई सासाकावा हैं, ठीक है, तो इनको जो है सामाजिक उपलब्धि के लिए पुरस्कार यानी कि जो आपका रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है। और 11वां प्रश्न कि हाल ही में कौन उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए थे विराज सागर दास। 12वां प्रश्न कि ला लीगा 2019 का खिताब किस फुटबॉल टीम ने जीता। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेलवे के एग्जाम के लिए। देखिए जो आपका ला लीगा 2019 का खिताब था इसको जीता बार्सिलोना की फुटबॉल टीम ने। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर खुदाई में गुरु नानक देव के जीवन काल के समय का कुआं मिला है। तो देखिए आप बता दूं कि जो आपका करतारपुर कॉरिडोर है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है खुदाई में गुरु नानक देव के जीवन काल के समय का एक कुआं प्राप्त हुआ है। और 14वां प्रश्न है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान हरप्रीत सिंह ने कौन सा पदक जीता था। तो देखिए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जो आपकी भारतीय आपके भारतीय पहलवान हैं, ठीक है, हरप्रीत सिंह, इन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता था। और देखिए थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं कुछ और भी विनर्स के नाम जिन्होंने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीते थे। देखिए जो आपके बजरंग पुनिया, इन्होंने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक जीता था। प्रवीण राणा ने जो है रजत पदक जीता था। ज्ञानेंद्र ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। गुरप्रीत सिंह ने जो है सिल्वर मेडल जीता था। सुनील कुमार ने सिल्वर मेडल जीता था। विनेश फोगाट ने कांस्य पदक जीता था और साक्षी मलिक ने भी कांस्य पदक जीता था। और देखिए जो आपका ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2019 था इसमें भारत ने एक गोल्ड 6 सिल्वर समेत कुल 16 मेडल जो है जीते थे। और सबसे खास बात है कि आपसे एग्जाम में एक अलग से प्रश्न पूछा सकता है कि 2019 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो देखिए 2019 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन जो है चीन के शियान में किया गया था। 15वां प्रश्न कि हाल ही में भारत के पूर्व सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग को किस देश में जो है भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो देखिए जो आपके दलबीर सिंह सुहाग जी हैं इनको जो है सेशल्स में भारत का नया उच्चायुक्त जो है अपॉइंट किया गया था। देखिए जो आपके दलबीर सिंह सुहाग इनके बारे में एक लाइन में जान लीजिए। देखिए जो आपके जनरल दलबीर सिंह सुहाग थे जुलाई 2014 से दिसंबर 2016 तक जो है ये भारतीय सेना के 26वें प्रमुख सेना प्रमुख के रूप में जो है इन्होंने कार्य किया था। और 16वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को नेशनल आईपी अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। तो देखिए जो आपका 2019 का नेशनल आईपी अवार्ड है ये दिया गया बेनी एंटनी को। देखिए जो आपके बेनी एंटनी है, ठीक है, इनके पास 80 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट है, ठीक है, इसलिए इनको जो है नेशनल आईपी अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। 17वां प्रश्न है कि दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है। देखिए ये प्रश्न एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए विभिन्न श्रेणियों में जो है सलीम खान को, हेलन को और मधुर भंडारकर को जो है 2019 का दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। और 18वां प्रश्न है कि हाल ही में मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने ISSF शूटिंग विश्व कप में कितने मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए जो आपके मनु भाकर हैं और सौरभ चौधरी, ठीक है, इन्होंने ISSF शूटिंग विश्व कप में जो है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में जो है स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। और देखिए सबसे खास बात की जो आपका ये ISSF शूटिंग विश्व कप है ये जो है चीन के बीजिंग में आयोजित किया गया था। 19वां प्रश्न है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2018 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन था। देखिए ये प्रश्न भी कई सारे एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। देखिए आप बता दूं कि 2018 में, देखिए ईयर याद रखिएगा, वर्ष याद रखना है कि 2018 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश था संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। और देखिए इसके बाद फिर दूसरे नंबर पे चीन था, तीसरे नंबर पे सऊदी अरब था और चौथे नंबर पर आपका भारत था। ये प्रश्न अलग से एग्जाम में पूछा गया कि भारत जो है ये दुनिया के सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले देशों में जो है किस स्थान पर था, तो भारत जो है ये चौथे स्थान पर था। और देखिए 2017 की बात करें तो 2017 में जो है भारत 5वें स्थान पर था लेकिन इसने काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस किया और 2018 में जो है चौथे स्थान पर भारत आ गया, तो 5वें से चौथे पे आ गया, बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। 20वां प्रश्न कि हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि यानी कि यूनाइटेड नेशंस आर्म्स ट्रेड ट्रीटी से बाहर हुआ। तो देखिए ये देश आपका है अमेरिका। अमेरिका जो है अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि से जो है बाहर हुआ था। और 21वां प्रश्न कि हाल ही में किस बैंक के द्वारा देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन कार लोन जारी करने की घोषणा की है। तो देखिए ये बैंक आपका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रिक वाहनों को जो है भारत में बढ़ावा देने के लिए ग्रीन कार लोन जो है जारी किए जाने की घोषणा की।
और 22वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाले पहले भारतीय बने। तो देखिए इनका नाम है जी सातियान और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप फिर से सुन लीजिए और याद रखिएगा। देखिए जो आपके जी सातियान है ये एक जो है टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और ये टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, देखिए जो आपके जी सातियान हैं नवीनतम रैंकिंग में 4 स्थानों के फायदे के साथ जो है ये 24वें स्थान पर हैं और ये टॉप 25 में शामिल हुए हैं। और 23वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए इससे पहले आपको बता दूं कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है इसको अंग्रेजी में इंटरनेशनल लेबर डे कहते हैं, इंटरनेशनल वर्कर्स डे के नाम से भी इसको जाना जाता है और मे डे के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये डिफरेंट नाम आपको याद रखना है, ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है ये आपका 1 मई को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, और देखिए 2019 के अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे की थीम रही यूनाइटिंग वर्कर्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट। तो थीम और डेट दोनों याद रखना है। और 24वां प्रश्न है कि भारत फ्रांस के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण का आयोजन किस स्थान पर किया गया। तो देखिए जो आपका ये भारत और फ्रांस के बीच का जो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है इसका नाम वरुण है, इसका आयोजन जो है गोवा के तट पर किया गया था। ठीक है, और देखिए इसको जो है इस साल 2 चरणों में आयोजित किया गया था। इसका जो पहला चरण था इसको वरुण 19.1 यानी कि 19.1 और जो इसका दूसरा चरण था इसको 19.2 जो है नाम दिया गया था। तो इसका जो पहला चरण था 19.1 तो ये गोवा के तट पर आयोजित किया गया था और इसका जो दूसरा चरण है ये जो है जिबूती में आयोजित किया गया था। ये विशेष पैक याद रखना है, ये भी एग्जाम में अब तक पूछा चुका है। और 25वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा देश 2018-19 में भारत को तेल आपूर्ति करने वाला शीर्ष देश था। तो देखिए 2018-19 के वित्तीय वर्ष में भारत को तेल आपूर्ति करने वाला शीर्ष देश था आपका इराक। और 26वां प्रश्न की हाल ही में किस देश की राजधानी में 24 घंटे के अंदर पूरे शहर में सबसे ज्यादा राष्ट्रध्वज फहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। तो देखिए ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया लेबनान की राजधानी बेरूत में। और 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय पहलवान अमेरिका के न्यूयॉर्क के मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में फाइट नाइट में खेलने के लिए अमेरिकी कुश्ती संस्था के द्वारा बुलाए जाने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। तो देखिए ये भारतीय पहलवान आपके हैं बजरंग पुनिया और इस प्रश्न को फिर से सुन लीजिए, एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, देखिए आप बता दूं कि जो आपके बजरंग पुनिया है ये अमेरिका के न्यूयॉर्क के मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में फाइट नाइट में खेलने के लिए अमेरिकी कुश्ती संस्था के द्वारा बुलाए जाने वाले पहले भारतीय पहलवान है। ठीक है, 28वां प्रश्न है कि महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका महाराष्ट्र दिवस है और गुजरात दिवस है ये 1 मई को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, देखिए आपको बता दूं कि 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों की जो है स्थापना हुई थी और साल 2019 में जो आपका महाराष्ट्र है और गुजरात है इन दोनों ने जो है अपने स्थापना के 59 वर्ष पूरे किए थे। ठीक है, और इन दोनों राज्यों की जो स्थापना है आपकी 1 मई 1960 को हुई थी। तो अगर आप महाराष्ट्र और गुजरात से बिलोंग करते हैं तो आपको याद रखना है कि 1 मई 1960 को जो है महाराष्ट्र की स्थापना और गुजरात की स्थापना हुई थी। बाकी सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन जो आपके स्टेट पीसीएस के वगैरह के एग्जाम होते हैं उनमें पूछ लेता है ये चीज़। बाकी आप अपनी जानकारी के लिए याद रखना है कि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों की स्थापना जो है ये 1 मई 1960 को हुई थी। 29वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के द्वारा हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपका है मसूद अजहर, ये क्रूर आतंकी जो है ये पाकिस्तान से बिलोंग करता है, आपको पता ही होगा। तो जो आपका क्रूर आतंकी है मसूद अजहर इसको जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया था। 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत में तीसरा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक बन गया है। तो देखिए ये देश आपका नीदरलैंड है, नीदरलैंड जो है ये भारत में तीसरा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक बन गया है। तो ये थे आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और देखिए इसके बाद मैं जो है अगला पार्ट अपलोड करूंगा, उसके लिए भी आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, ये दोनों काम आप करिए, मैं आपके लिए अगला पार्ट तुरंत जो है बनाने में लग जाता हूँ। ठीक है, और देखिए आपको बता दूँ कि जो लोग नए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे अगले वीडियो का अपडेट उनको मिल जाए ऑटोमेटिक और सबसे पहले। और देखिए अगर आप सोशल मीडिया से जो है मेरे जीएस और करंट अफेयर के अपडेट पाना चाहते हो तो इन सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ पे क्लिक करके आप इन सबको ज्वाइन करिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू।